सो नमस्कार दोस्तों, वीडियो में देखेंगे ईरकॉन के शेयर में 18 मई के लिए हमें क्या क्या नजरिया बना के रखना चाहिए। दोस्तों नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे ईरकॉन का डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट लगा हुआ है। स्टॉक आपको क्लियर लेकर डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करता देखने को मिल रहा था, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, शानदार तरीके से ब्रेकआउट हुआ। और अभी की कंडीशन को अगर हम नोटिस करेंगे, स्टॉक ने यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया जो कि 89 का था रेजिस्टेंस लाइन, रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, फिर नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे सपोर्ट बनाया जो कि आप देख रहे हो 76.35 का सपोर्ट लाइन। दोस्तों हो सकता है प्राइस यहीं से सपोर्ट लेके फिर से इस तरीके से ऊपर जा सकता है, तो उसके लिए आपको अगर आपका पास में पहले से होल्डिंग है तो अभी इस सपोर्ट लाइन के नीचे अपना स्टॉप लॉस को मेंटेन कर सकते हैं, राइट। तो इसमें ऑफ ट्रेंड तभी देखने को मिलेगा जब 89 को ब्रेकआउट करेगा कि शानदार तेजी यहाँ से आपको देखने को भी मिल सकता है। अब दोस्तों ईरकॉन के शेयर में अगर इसमें नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें कौन से लेवल्स पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, तो उसके लिए आपको यहाँ पर सपोर्ट लाइन जो ध्यान में रखना रहेगा 78 का रहेगा सपोर्ट लाइन, रेजिस्टेंस लाइन रहेगा 82.50 का, और नेक्स्ट रेजिस्टेंस लाइन आपको देखने को मिल जाएगा जो कि रहेगा 85 का। दोस्तों वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए, और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम टू टाइम देखने को मिलता रहेगा। थैंक यू दोस्तों।